बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है मूंग की दाल। मूंग की दाल मैंने 1 कप ले ली है, इसको मैं अभी वाश कर लूँगी। लहसुन लिया है, नमक मैंने 1 चम्मच लेना है, मिर्चें मैंने 1.5 स्पून लेनी है, टेबलस्पून, थोड़ी सी गोल मिर्चें हैं ये 5 अदद, धनिया ले लिया है, कुटा हुआ मसाला 2 अदद गिलास, ये वाले गिलास पानी के डालूंगी। प्रेशर कुकर में बनाऊंगी मैं, पहले मैं दाल को वॉश कर लूँ और पानी कुकर में डाल लूँ। डाल लिया मूंग की दाल है, साबुत मूंग की ग्रीन दाल। देखे अब मैं इसमें ऐड करूंगी डेढ़ टेबल स्पून मैंने मिर्चों की डाली है, वन टेबल स्पून मैंने नमक डाला है इसमें। बस अब इसको मैं ऊपर चढ़ा दूंगी, अच्छी तरह दाल गल जाएगी तो दबा फिर इसको बाद में हम तड़का लगाएंगे। मैं ढक्कन लगाने शुक्र है आज ढक्कन लग गया, नहीं तो दोनों हाथों से लगाना पड़ता है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दाल हमारी हो गई है। अभी भी ठीक सही तरह गली नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें और थोड़ी देर और, अब कुकर नहीं करूंगी इसी पे ऐसे। दाल में थोड़ा पानी ऐड कर दिया मैंने, थोड़ा सा इसको पकाऊंगी, बस गाढ़ी गाढ़ी हमने रखनी है ऐसे। इधर साथ ही मैं तड़का इसका तैयार करने लगूँ। तड़के के लिए देसी घी, थोड़ा सा डालूंगी जीरा, साबुत जीरा, जीरा पांच से छह, ये गोल मिर्चें, क्योंकि थोड़ा सा ये कुटा हुआ मसाला है, वन टेबल स्पून कुटा हुआ मसाला। हमारा हो गया तड़का, हमारा तैयार हो गया। इसमें दाल हमारी तैयार हो गई है, इसमें डालेंगे हरा धनिया, हरी मिर्चें, थोड़ी सी डालेंगे, बहुत कड़वी हैं ये मिर्चें भी। प्लीज़ वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।